साथियों, स्वागत है आपका ट्रेवल विद आमेडा पर। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित और देवस्थान विभाग के तत्वावधान में संचालित होने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में। ये यात्रा वैष्णो देवी अमृतसर दिनांक 10/3/2023 को प्रारंभ हुई थी। आइए जानते हैं इस यात्रा के बारे में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास से बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी इस प्रकार की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आइए देखते हैं किस प्रकार से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और किस प्रकार से ये यात्रा संचालित हुई। यात्रा की शुरुआत दिनांक 10 को यात्रियों के भव्य स्वागत के साथ हुई और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवानगी दी। यात्रियों के भोजन, चाय, नाश्ता और पानी की समुचित व्यवस्था IRCTC के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से की गई। प्रत्येक कोच में एक IRCTC का एस्कॉर्ट और दो अनुदेशक की नियुक्ति की गई यात्रियों के देखभाल एवं उनकी सुरक्षा हेतु। यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु कोच में डॉक्टर्स की पूरी टीम उपलब्ध रही, जिन्होंने निरंतर यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनके दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। प्रत्येक कोच में एक गार्ड के साथ IRCTC के 5-6 वॉलेंटियर्स थे, जिन्होंने निरंतर यात्रियों की सेवा की और उन्हें समय पर भोजन, चाय और पानी उपलब्ध करवाते रहे। आज हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान सरकार के तत्वावधान में कटरा स्टेशन पर। यहाँ से अब हम माता वैष्णो के दर्शन हेतु प्रस्थान करेंगे। यात्रियों के ठहरने हेतु विभिन्न होटलों में व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत ही शानदार रही। साथियों, हम निकल पड़े हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए और हमारे साथ अनुदेशक के रूप में भाई श्री कांतिलाल जी, विकास जी और दीपक जी। हाय बोले। हाय। जय माता दी। 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 ये स्थान बाणगंगा है, यात्रा का पहला पड़ाव। यहाँ पर यात्रियों की सघन जांच के बाद यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है।
साथियों, 13-14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचने वाले हैं माँ वैष्णो के मंदिर दर्शन के लिए। बहुत ही दुर्गम चढ़ाई। माता वैष्णो के दर्शन उपरांत हमने भैरव दर्शन किया। यहाँ भैरव मंदिर है। यात्रियों की सुविधा के लिए पालकी, घोड़े, खच्चर के साथ साथ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई है। हेलीकॉप्टर नीचे से हमें मिल सकता है, लेकिन इसके लिए पूर्व में बुकिंग आवश्यक है। इस प्रकार माता वैष्णो के दर्शन और भैरव दर्शन के साथ हमारी वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हुई। राज्य सरकार और देवस्थान विभाग की बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से इन वरिष्ठ नागरिकों को इस तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।